दोस्तों आज मैं आपसे अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाने वाले फेमस देश आइसलैंड के बारे में बात करूंगा, जो दुनिया के उन हिस्सों में आता है जो प्राकृतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा साफ है। यहाँ की आबादी 3,40,000 के आसपास है। आइसलैंड देश की ऑफिशियल लैंग्वेज आइसलैंडिक है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी रेकजाविक है, जो कि इस देश का काफ़ी ज़्यादा फेमस शहर है। आइसलैंड देश में हर समय काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन इस देश में इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती जितनी कि दूसरे देशों के लोग सोचते हैं। आइसलैंड के लोग अपने बच्चों को ज़्यादा ठंड की आदत डालने के लिए बाहर ठंड में ही सुला देते हैं, और इसी वजह से आइसलैंड देश में घरों के बाहर कई बच्चे सोते हुए नजर आएंगे। आइसलैंड की ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर और जियोथर्मल एनर्जी पर डिपेंड रहती है, और इसके अलावा वहाँ की सरकार वहाँ के ज़्यादा ज्वालामुखियों को भी एनर्जी के लिए यूज़ करती है। दोस्तों आइसलैंड देश की पुलिस कभी भी अपने साथ गन नहीं रखती, क्योंकि वहाँ पर क्राइम होने की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है, और इस देश में क्राइम रेट बहुत ही कम है। मई से लेकर जुलाई महीने तक आइसलैंड देश में सूरज सिर्फ 3 घंटे के लिए ही छुपता है, और इन 3 घंटों में भी वहाँ पर सूरज की चमक हल्की हल्की दिखाई देती है, यानी वहाँ पर इन 3 महीनों में 3 घंटे के लिए हल्की रात तो होती है, मगर कभी भी रात को अंधेरा नहीं होता। दोस्तों यहाँ के लोगों को ठंड के बावजूद भी आइसक्रीम खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा भी यहाँ के लोग कोका कोला पीना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और पर व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज़्यादा कोका कोला आइसलैंड के लोग ही पीते हैं। आज के दिन तो हमारे लिए इंटरनेट से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है, लेकिन शायद आप सबको ये बात पता नहीं होगी कि आइसलैंड देश में 2010 में ही 97% लोग इंटरनेट से जुड़ चुके थे, जो समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं। दोस्तों आइसलैंड देश को घूमने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इस देश की नेचुरल एयर और नेचुरल ब्यूटी टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। प्राकृतिक तौर पर ये देश काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस खूबसूरत देश में एक भी जंगल मौजूद नहीं है। दोस्तों आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है, लेकिन ये इंडियन करेंसी के सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ती है, और हमारे इंडिया का 1 रुपया ही आइसलैंड के 1.25 क्रोन के बराबर है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड दुनिया का 3रा सबसे खुशहाल देश है, और इस देश के लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे एक कमाल के और खूबसूरत देश आइसलैंड के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर करना, और ऐसे ही कई तरह की वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना।